नमस्कार, स्वागत है आपका हाई अलर्ट में। मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक। पहली खबर नोएडा से है, जहां चलती बस में रेप के मामले में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल प्रतापगढ़ से नोएडा आते वक्त लखनऊ और मथुरा के बीच महिला से दरिंदगी की वारदात को अंजाम दिया गया। आरोप है कि महिला अपने दो बच्चों के साथ एक प्राइवेट बस में नोएडा आ रही थी और इसी बीच महिला के साथ दुष्कर्म किया गया, जिसके बाद नोएडा सेक्टर 45 में उसे जबरदस्ती बस से उतारकर बदमाश फरार हो गए, जिसके बाद पीड़ित ने थाना सेक्टर 20 में चार लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कराया था। इसमें अब एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। तो पुलिस ने एक आरोपी को मामले में गिरफ्तार कर लिया है। चार आरोपियों के खिलाफ FIR करवा दी गई है। प्रतापगढ़ से नोएडा आते वक्त बस में दुष्कर्म का आरोप है इन चारों पर। आज सुबह पुलिस को एक चलती बस में रेप की घटना की सूचना प्राप्त हुई थी। यह जो घटना है, ये एक ओवरनाइट स्लीपर बस की है, जो कि प्रतापगढ़ से गौतम बुद्ध नगर आ रही थी और जिस पर पीड़िता यात्रा कर रही थी। और पीड़िता ने जो इस केस में फैक्ट्स बताए हैं, उससे ऐसा प्रतीत होता है कि जब ये बस लखनऊ से मथुरा के स्ट्रेच पे थी, उस दौरान किसी समय रात को यह घटना घटी है और बस के ड्राइवर द्वारा कारित की गई है। घटना के घटने के टाइम इस बस पर 12 से 13 और सहयात्री भी मौजूद थे। इस घटना की सूचना पीड़िता द्वारा गौतम बुद्ध नगर पहुँचने पर स्थानीय पुलिस को दी गई और सूचना प्राप्त होते ही इस पर मुकदमा दर्ज कर दिया गया था। FIR में जो नामित अभियुक्त हैं, उनमें से एक को गिरफ्तार कर लिया गया है और जो बस है उसको भी सीज कर लिया गया है। ज्यादा जानकारी के लिए रुक करते हैं, अविनाश तिवारी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अविनाश, क्या ताजा अपडेट है? एक शख्स तो पकड़ा गया है, लेकिन बाकी तीन तक क्या पुलिस पहुंच पाई है अभी? देखिए, आज तक अगर बताया तो अभी बाकी तीनों आरोपी फरार हैं, उनको पकड़ने के लिए पुलिस लगातार दबिश दे रही है, कई जगहों पर छानबीन चल रही है। इसके अलावा जो बस का मालिक है, उसको भी जो है गिरफ्तार करने के लिए टीम बनाई जा रही है, क्योंकि बस जो प्रतापगढ़ के रजिस्टर्ड है, मालिक वहीं के हैं, तो इसीलिए मालिक को भी जो है पूछताछ के लिए और उनसे भी जो है आगे की जानकारी के लिए उनको भी बुलाया जाएगा और उनसे भी और जानकारी ली जाएगी। लेकिन फिलहाल अभी ड्राइवर गिरफ्तार कर लिया गया है, पीड़िता का भी मेडिकल रिपोर्ट भी आने वाली है, इसके बाद फिर आगे की कार्रवाई पुलिस करेगी। जी हाँ, बिल्कुल, लेकिन फिलहाल एक की गिरफ्तारी हुई है, तीन अब भी फरार हैं और हैवानियत भरी है घटना एक बस के अंदर, जिसे अंजाम दिया गया। क्या इस बीच ये जो चार लोग थे, क्या ये महिला बस में अकेली थी? पूरा वाक्या क्या है, तफसील से बताएं अविनाश, कैसे ये दरिंदगी की घटना हुई है? देखिए, आस्था, जो पुलिस को बताई है महिला ने, जो पीड़ित महिला है, उसने पुलिस को बताया है कि वो जब प्रतापगढ़ से दिल्ली के लिए बस में बैठी, उसके पास किराए कम थे, उसने ड्राइवर से कहा कि वो वहां पे सेक्टर 45 से जब उसे उतारेगा तो उसका पति सेक्टर 45 से मिलेगा, वो बाकी का किराया सेक्टर 45 से अपने पति के जरिए बस ड्राइवर को, कंडक्टर को दिलवा देगी। इसके बाद बस ड्राइवर ने पहले मना किया। अविनाश, आपको रोकना चाहेंगे, आपसे बातचीत जारी रहेगी, लेकिन इस बीच एडिशनल DCP हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं, रणविजय सिंह जी। आप सर, ये बताइए, अभी तक इन्वेस्टिगेशन में क्या कुछ सामने आया है इस पूरी घटना के बारे में, अगर बात करें, और गिरफ्तारी क्या अभी एक ही शख्स की हुई है, बाकी तीनों को लेकर कोई अपडेट अभी तक? देखिए, मैं स्पष्ट कर दूं कि इसमें जो घटना लखनऊ से लेके मथुरा के बीच में घटी थी, उसके बाद कल ही हम लोग के पास सूचना आती, हम लोगों ने बहुत स्विफ्टली एक्ट करते हुए एक ड्राइवर को तो अरेस्ट कर लिया है। जो दूसरा ड्राइवर है और उसके जो सहयोगी लोग हैं, उन लोगों का भी इसमें रोल रहा है, उनको अरेस्ट करने के लिए हमारे टीम लगी हुई है, हम बहुत जल्दी उनको अरेस्ट कर लेंगे। जी, और इस बारे में कोई जानकारी, क्या उस वक्त ये बस में अकेली थी महिला जब इसके साथ ये दरिंदगी हुई? नहीं नहीं, ये उस बस में लगभग 20-22 लोग थे और उसके बाद भी ये घटना होना बताया गया है, और हम लोगों ने उनके जो जो स्टेटमेंट है उसको बिलीव करते हुए एक्शन किया है। और बाकी हम जो बाकी फैक्ट जो है हम कलेक्ट कर रहे हैं, उस बस में जो बाकी लोग थे उन लोगों से भी बात वार्ता कर रहे हैं, इसमें से 4-5 लोग हम लोग कॉन्टेक्ट में आ चुके हैं और 4-5 लोगों से बात की है, और पूरी घटनाक्रम के बारे में जो अन्य सिचुएशन थी उसके बारे में हम लोग उनसे जानकारी प्राप्त कर रहे हैं, लेकिन उस बस में लगभग 20-22 लोग थे। जी, ये अपने आप में सवाल और बड़ा हो जाता है कि 20-22 लोग एक बस में मौजूद हैं और उसके बावजूद इस तरह की हैवानियत एक लड़की के साथ में होती है, क्या उनके पास कोई हथियार भी थे? अपने बयान में ऐसा कुछ बताया लड़की ने? नहीं नहीं, हथियार की बात नहीं बताई उन्होंने, और हम लोग जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम लोग उन लोगों के टच में है जो वहाँ पे थे, और क्या स्थिति वहाँ बनी, क्या इन लोगों को सूचना मिली। कुछ लोगों का ये कहना था कि उन लोगों को शायद कुछ पता नहीं चल पाया,
और संभवतः इन्होंने खुद भी बताया था कि इन्होंने कोई अलार्म रेज नहीं किया वहां पर, तो इसी के चलते संभवतः लोगों को पता नहीं चल पाया होगा। लेकिन लोगों का ये कहना है कि हम लोगों को जानकारी नहीं मिली, जिनसे अब तक हम लोगों ने बात की है। हो सकता है कि बाकी कुछ और लोग जो उसमें बचे हैं उनसे वार्ता होगी तो संभवतः कुछ और निकल के आएगा। तो वाकई ये बात अपने आप में हैरान भी करती है कि चलती बस में किसी लड़की के साथ इस तरह की हैवानियत हुई और उसमें मौजूद लोग ये कह रहे हैं कि उनको पता नहीं चल पाया। क्या ऐसा संभव होता दिखाई देता है? एग्जैक्टली कहां पर ये घटना हुई है और क्या वो बस भी बरामद हो गई है पुलिस को? आपको लगता है उसको देखने से कि अगर 20-22 मुसाफिर उसके अंदर मौजूद हैं तो इतनी बड़ी घटना उन्हें पता नहीं चल पाई होगी? देखिए, अब उनका कहना है तो बाकी फैक्ट्स को हम एक्सप्लोर कर रहे हैं, जैसा कि मैंने बताया कि इन्वेस्टिगेशन चल रहा है और इन्वेस्टिगेशन में बहुत सारी बातें आती हैं। लेकिन मैं ये बता दूं आपको कि बस हमारे कब्जे में है। बस को हम लोग इमीडिएटली जैसे सूचना मिली थी नोएडा में, जैसे वो उतरी और उन्होंने आकर के हम लोगों को बताया, इमीडिएटली हम लोगों ने बस को पकड़ लिया और ड्राइवर को अरेस्ट कर लिया। मैं बता दूं कि इस घटना के बारे में जो कहां घटना घटी ये चीज अस्पष्ट है, जिसमें ये उनके बयानों के हिसाब से भी और जो पूरा हम लोगों ने सीसीटीवी कैमरा वगैरह देखना शुरू किया है उसके हिसाब से ये घटना लखनऊ से लेकर के और मथुरा के बीच में ही घटी है। ये चीज चूंकि ये बस 4:32 पे मथुरा टोल से क्रॉस की है और उसके बाद ये घटना उनके पहले उनके स्टेटमेंट के हिसाब से पहले की है। घटना तो उधर वो एक्सप्रेस वे से ही हुई है। अब हम लोग उन सब चीजों पर न जा करके हम लोग बेसिकली जो फैक्ट्स है उस फैक्ट के हिसाब से केस को इन्वेस्टिगेट करके और जो दोषी उनके खिलाफ कार्रवाई करने का प्रयास करें। जी सर, क्या ऐसी कोई जानकारी आपको मिली है कि इस बस को कहीं रोका गया हो कुछ देर के लिए, किसी मुसाफिर ने ऐसा बताया? अब तक ऐसी कोई जानकारी नहीं मिली। तो उस वक्त जो मुसाफिर उसमें सवार थे, क्या उनमें से भी पूछताछ आपने की है या कुछ लोगों को बुलाया जा रहा है पूछताछ के लिए? क्योंकि ये अपने आप में सवाल बहुत बड़ा है कि मुसाफिरों को खबर ही नहीं लगी इस तरह की घटना यदि हुई है बस में। इस एंगल पे हम लोग, जैसा कि मैंने बार बार आपको बता रहा हूँ कि जितने लोग उस बस में मौजूद थे उन सब लोगों से बात करने का प्रयास कर रहे हैं हम लोग। 4-5 लोगों से हम लोग की वार्ता हुई है और जिन लोगों से वार्ता हुई है उन्होंने अनभिज्ञता जाहिर की है, इसलिए बाकी जो लोग हैं उनसे हम लोग उनको बुला करके और उनको आइडेंटिफाई करके उनसे बात करने का प्रयास कर रहे हैं। ये बस हम अपने टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, इसमें ऐसा लग रहा है कि जो केबिन वाला हिस्सा होता है वो अलग है, सेपरेटेड है। तो क्या लड़की ने अपने बयान में कुछ ऐसा बताया है कि जहां पर पैसेंजर्स बैठे होते हैं ये घटना वहां पर हुई या फिर केबिन में हुई जो मुसाफिरों को पता नहीं चला? नहीं, ये इसमें कुछ ऐसे तथ्य हैं जो आपसे शेयर करना भी ठीक नहीं है इन द इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन, लेकिन हम लोग उसमें जो आप दिखा रहे हैं उन सारी चीजों को हम बहुत बारीकी से देख रहे हैं और इनके स्टेटमेंट से सबको कोरोबोरेट कर रहे हैं और उसको हम लोग आगे उसी एंगल से आगे बढ़ रहे हैं। एक और आखिरी प्रश्न मैं जानना चाहूंगी कि क्या ये महिला अकेले ट्रैवल कर रही थी या इसके साथ बच्चे भी थे, कोई परिवार का था या किसी के साथ में ये थी? अब तक उन्होंने जो बताया उसके हिसाब से उनके 2 बच्चे उनके साथ थे। जी, अब क्या उम्र रही होगी उन बच्चों की? छोटे छोटे बच्चे थे, बच्चे छोटे छोटे थे। जी जी, शुक्रिया तमाम बातचीत के लिए। तो हमारे साथ एडिशनल डीसीपी इस वक्त जुड़े हुए थे फोन लाइन पे, उन्होंने बताया कि काफी सारी लीड्स पुलिस को मिली हैं लेकिन सब कुछ मीडिया के साथ फिलहाल शेयर करना उचित नहीं है, लेकिन कड़ियों को जोड़ा जा रहा है और जो मुसाफिर उस बस में सवार थे उनमें से कुछ लोगों के टच में है पुलिस, उनसे पूछताछ कर रही है, जानकारी पुलिस ने जुटाई है। लेकिन फिलहाल केस की संवेदनशीलता को देखते हुए सब कुछ मीडिया में नहीं बताया जा सकता, पर यह जानकारी जरूर पुलिस को मिली है कि इस घटना में 4 लोग इन्वॉल्व थे जिनमें से ड्राइवर को पुलिस ने पकड़ लिया है और ये महिला अपने 2 छोटे बच्चों के साथ ट्रैवल कर रही थी। और बड़ी बात और हैरान करने वाली बात यह है कि 20-22 मुसाफिर इस बस में सवार थे, लेकिन जिन लोगों से पूछताछ हुई है उन्होंने मामले से अनभिज्ञता जताई है। उन्होंने कहा कि हमें नहीं मालूम ऐसी कोई घटना हुई है। तो बड़ा सवाल यही पैदा होता है कि चलती बस में इतनी बड़ी दरिंदगी हुई, एक महिला अपने 2 छोटे बच्चों के साथ ट्रैवल कर रही है और बाकी के पैसेंजर्स को पता क्यों नहीं चला? और ये वो बस है जिसे फौरन पुलिस ने पकड़ लिया। ये महिला जब नोएडा में उतरी तो उसने जाकर शिकायत की। महिला का मेडिकल करवाया जा चुका है, उसकी रिपोर्ट का इंतजार है जो जल्द ही आने वाली है और डीसीपी का कहना है कि इस मामले में अब जल्द ही कुछ और लोगों की भी गिरफ्तारी होगी। 4 लोगों ने मिलकर इस वारदात को अंजाम दिया है जिसमें से एक यानी कि जो ड्राइवर है वो पुलिस के हत्थे चढ़ चुका है, बाकी 3 की तलाश की जा रही है। पुलिस का ये दावा है कि जल्द ही उनको पकड़ लिया जाएगा। कुछ मुसाफिर जो बस में ट्रैवल कर रहे थे उनसे भी पुलिस पूछताछ कर रही है, कई लोगों के टच में है, कई लोगों ने मामले से अनभिज्ञता जताई है
और कुछ जानकारियां जो पुलिस को हासिल हुई हैं, उनका कहना है कि फिलहाल वो मीडिया को नहीं बताई जा सकती, पर हम कड़ियां जोड़ रहे हैं, बहुत जल्दी हम बाकी के भी जो 3 आरोपी हैं उन तक पहुंच जाएंगे और पूरे मामले का खुलासा होगा। तो इस वक्त की बड़ी खबर, एक महिला के साथ चलती बस में इस दरिंदगी को अंजाम दिया 4 लोगों ने, जिनमें से 3 फरार हैं और एक पुलिस के हत्थे चढ़ चुका है। अविनाश तिवारी का रुख करते हैं, फोन लाइन पर जुड़े हुए हमारे संवाददाता अविनाश। हम डीसीपी से बात कर रहे थे, उन्होंने कई फैक्ट्स हमें बताए लेकिन कुछ बातों के लिए कहा कि वो फिलहाल शेयर करना ठीक नहीं है, पर जो पूरे मामले में सबसे ज्यादा चौंका देती है वो यही बात कि 20 से 22 मुसाफिर उसके अंदर मौजूद है और लोग अनभिज्ञता जता रहे हैं कि हमें पता ही नहीं चला कि इतनी बड़ी वारदात हो गई। देखिए आस्था, जिस प्रकार से पीड़िता ने भी अपना बयान दिया, पीड़िता का भी कहना था कि सबसे पीछे वाली सीट पे उसको ले जाया गया और वहीं पर वो थी, और जिसके बाद जो और मुसाफिर थे, अन्य मुसाफिर थे, वो आगे की सीट में थे काफी, और बीच की जो सीट थी लास्ट में अगर देखे तो वो खाली बता रही थी, सीटें खाली थी और सुबह का चूंकि ये वक्त था, सभी यात्री लगभग सो रहे थे। और पीड़िता का ये भी कहना है कि जब उसने विरोध करने की कोशिश की तो जो ड्राइवर है और जो उसके सहयोगी थे ड्राइवर के, उनकी तरफ से कहा गया कि अगर वो विरोध करेगी या चीखेगी चिल्लाएगी तो उसके बच्चे को जान से मार दिया जाएगा। इसके बाद पीड़िता कहना है कि उसकी डर गई थी, सहम गई थी, कि जिसकी वजह से फिर उसने कुछ नहीं बोला क्योंकि उसको अपने बच्चों की जान का खतरा लगा, इसी वजह से वो शांत रही और इसी वजह से ड्राइवर लोग दुष्कर्म करिए किए उसके साथ, क्योंकि उसका कहना है कि जो तमाम सारे यात्री थे वो सो रहे थे और इसीलिए उनको पता नहीं चला है, तो इस तरीके का उसका कहना है। हालांकि जो हमें नोएडा पुलिस के अनुसार जानकारी मिली वो ये है कि जो उसमें ट्रेवल कर रहे थे बस के अंदर, उन सभी यात्रियों से नोएडा पुलिस संपर्क कर रही है, जिसमें से 3 से 4 यात्रियों से संपर्क कर चुके हैं, लेकिन फिलहाल उन लोगों का कहना है कि उनको इस बात की जानकारी नहीं है। और भी तमाम सारे जो यात्री साथ में ट्रेवल कर रहे थे उनके पास भी नोएडा पुलिस संपर्क करने की कोशिश कर रही है, उनकी भी डिटेल उतार रही है, सभी जितने बस में सवार यात्री थे सभी की डिटेलिंग की जा रही है और सभी से पूछा जाएगा क्या उनको इस बात का पता चला, क्या जब बस से उतरते वक्त पीड़िता ने उनके साथ किस तरीके की बातें शेयर की या किस तरीके पीड़िता के जो है भाव भंगिमा थी, यानी किस तरीके का उसका जो है बस से उतरते वक्त क्या वो बोल रहे थे, क्या वो कर रहे थे, तो इस तरीके तमाम सारी नोएडा पुलिस जांच कर रही है और इस तमाम सारे पहलुओं से जांच करते हुए अभी अगर बात करें तो बस खड़ी हुई है, बस की भी जो है देख रेख की जा रही है कि बस में किस तरीके से आखिर वहां पे बस के अंदर दुष्कर्म किया गया, तो उसके लिए भी नोएडा जी ये बस जो है हम तस्वीरों में भी दिखा रहे हैं अविनाश, जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, और यही वो बस थी, पैसेंजर बस, जहां पर आरोप है कि 4 लोगों ने एक महिला के साथ बलात्कार किया है। ये महिला 2 छोटे बच्चों के साथ ट्रैवल कर रही थी और लेकिन नोएडा पुलिस जो बता रही है अविनाश वो ये कि इस बस को कहीं रोका नहीं गया, तो बड़ा सवाल ये भी है कि यदि ये बस चल रही थी, ड्राइवर उसको चला रहा था जो फिलहाल गिरफ्तार कर लिया गया है, पर 3 साथी फरार हैं, तो 4 लोगों का मामला नाम सामने आ रहा है इस मामले में। बिल्कुल आस्था, अगर बात करें तो 4 लोगों का नाम सामने आया, जिसमें 2 ड्राइवर हैं, 1 कंडक्टर है और कंडक्टर का सहयोगी था। तो जिस प्रकार से पीड़िता कहना है कि जब उसके साथ दुष्कर्म किया गया, बस कहीं नहीं रोकी गई, जब उसके साथ दुष्कर्म कर लिया गया तब उसको सेक्टर 20 के पास उतार दिया गया, इसके बाद उसने सेक्टर 45 पे स्थित अपने को फोन लगाया, इसका मतलब सेक्टर 20 पे पहुंचा पीड़िता के, तो पीड़िता ने सीधे थाने में रिपोर्ट लिखाई, अपने पति, उसका पति तो साथ में था, तो पति और पत्नी दोनों ने जाकर थाने पे रिपोर्ट लिखाई, जिसके बाद नोएडा पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए बस को अपनी हिरासत में लिया और बस के साथ साथ एक ड्राइवर को भी पकड़ा, बाकी 3 अन्य जो एक ड्राइवर और एक कंडक्टर और एक उसका सहयोगी, उन तीनों फरार है, उनकी भी गिरफ्तारी के लिए पुलिस लगातार सर्विस दे रही है, उनके बारे में पता लगाया जा रहा है, उनको गिरफ्तार करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन फिलहाल अगर अभी बात करें तो पीड़ित महिला का जो है मेडिकल रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है और उसके साथ साथ जो तमाम सारे बस में सारे यात्री थे उनकी डिटेल तलाशी जा रही है कि आखिर उनका भी बयान दर्ज किया जा सके कि उन्होंने क्या देखा महिला के बस को उतरते वक्त या जब बस रुकी या जब बस ने उन सवारियों को उतारा तो क्या कुछ उन्होंने देखा, क्या कुछ उनके बारे में उनको जानकारी लगी, ये तमाम सारी डिटेल अभी इकट्ठा की जा रही है। वाकई में डिटेल इकट्ठा की जा रही है और नोएडा पुलिस ये भी कह रही है कि कई कड़ियां उसको ऐसी मिली हैं जो फिलहाल शेयर नहीं की जा रही, पर जल्द ही पूरे मामले का खुलासा होगा। और इस बीच हम लगातार आपको बता दें कि नोएडा के पुलिस कमिश्नर को भी हम फोन लाइन पर जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन वो फिलहाल मामले पर कुछ कहना नहीं चाह रहे, इस कारण हमने इससे पहले डीसीपी जो रणवीर हैं उनसे हमने बातचीत की थी और उन्होंने कई अहम जानकारियां दी थी। लेकिन आपको बताएं इस पूरी घटना पर बड़े सवाल उठ रहे हैं, क्या महिला के पास पैसे नहीं होने के बदले ये रेप हुआ, ये बहुत बड़ा सवाल है और असंवेदनशीलता की पराकाष्ठा, हाथ पैर बांधकर महिला के साथ रेप हुआ, 4 लोगों ने उसे दरिंदगी का शिकार बनाया, छोटे बच्चों के साथ वो ट्रैवल कर रही थी और सबसे बड़ी बात और चौंकाने वाली बात ये कि 20 से 22 लोग उस बस में मौजूद थे, फिर उस घटना को अंजाम दिया गया।
महिला के साथ जबरदस्ती को लोगों ने क्यों नहीं देखा? लोग अनभिज्ञता कैसे जता रहे हैं कि हमें पता नहीं चला? ड्राइवर ने रेप किया तो उस दौरान बस आखिर कौन चला रहा था? क्या महिला के पास पैसे नहीं थे? उसने कहा था कि मेरा पति मुझे मिलेगा जहां मैं उतरूंगी, बाकी के पैसे मैं तब दूंगी। क्या इस कारण उसके बदले उसके साथ इस घटना को अंजाम दिया गया? हाथ पैर बांधकर महिला के साथ रेप किया गया? चलती बस में दरिंदगी पर कई बड़े सवाल जो हम उठा रहे हैं वो आपको बता रहे हैं। अविनाश का रुख करते हैं। अविनाश, क्या महिला के साथ जबरदस्ती को लोगों ने नहीं देखा? ये इस वक्त का बड़ा सवाल है। और जिस तरह तथ्य सामने आ रहे हैं कि हाथ पैर बांध के इस घटना को अंजाम दिया गया, दो छोटे बच्चे उसके साथ में थे और महिला ने अपने बयान में कहा है कि सब लोग सो रहे होंगे, लेकिन इतनी बड़ी घटना किसी के साथ हो रही है एक ही बस में, बेशक बीच की सीटें खाली भी हो, तो कैसे लोगों को पता नहीं चला, ये इस वक्त का बड़ा सवाल है। बिल्कुल आस्था, ये वाकई में अपने आप ही सवाल है और पुलिस भी इसी बात को लेकर इन्वेस्टिगेशन कर रही है कि आखिर इस तरीके से कैसे हुआ, क्योंकि जिस प्रकार से महिला का कहना था कि रात का वक्त था, बस के अंदर की सारी लाइटें जली हुई बंद हुई थी और उसके बाद अंधेरा था बस के अंदर और जितने भी यात्री थे वो सारे सो रहे थे और पीछे वाली सबसे आखिरी वाली सीट पे उसके साथ इस तरीके का दुष्कर्म किया गया, तो उसका भी जो है बयान नोट कर लिया गया और पुलिस इस पहलू से भी जांच कर रही है कि आखिर कैसे जो भी बस के अंदर तमाम तरह सारे यात्री थे उनको कैसे नहीं पता चला। हालांकि तमाम इसीलिए पुलिस की कोशिश है कि जितने भी तमाम सारे यात्री उसमें ट्रेवल कर रहे थे उन सभी का बयान दर्ज किया जाए। अभी केवल 3-4 यात्रियों के पास ही पुलिस उनकी डिटेलिंग पा पाई है, उनसे संपर्क कर पाई है, तो उनसे जब बातचीत की पुलिस ने, उनसे जब पुलिस से पूछा तो उन्होंने इस तरीके की किसी भी घटना की होने की जानकारी से इनकार कर दिया। लेकिन जो और सारे यात्री थे जो बस में चल रहे थे उनसे भी उनकी भी डिटेलिंग इकट्ठा की जा रही है कि आखिर वो लोग कहाँ से चढ़े थे और कहाँ पर उतरे हैं और बस में जब ये घटना घटी तो वो बस में थे तो किस तरीके से उनको कैसे कोई जानकारी पता चली या नहीं पता चली, इस तरीके से जानकारी इकट्ठा करने की कोशिश की जा रही है पुलिस की तरफ से। जी हाँ, पुलिस सभी जानकारी इकट्ठा करने की कोशिश कर रही है। अविनाश, एक सवाल ये भी कि ये जो बस हम दिखा रहे हैं ये कोई सरकारी या कह लीजिए कि यूपी रोडवेज या यूपीएसआरटी की बस तो लग नहीं रही, तो क्या ये प्राइवेट बस थी और उस रूट पर रेगुलर चला करती थी, ये कोई टूरिस्ट बस थी, क्या जानकारी मिल पाई है इससे संबंधित? देखिए आजकल ये प्राइवेट बस थी, ये रेगुलर चला करती थी, अगर बात करें तो लॉकडाउन के पहले ये रेगुलर चला करती थी, अभी जब से अनलॉक हुआ है 1 जून से उसके बाद से फिर ये रेगुलर चलती थी, ये प्रतापगढ़ से दिल्ली का रोजाना सफर करती थी, तो ये इसका जो है ये रेगुलर चलती थी और इसी बस में इस तरीके का जो दुष्कर्म किया गया है। फिलहाल पुलिस इस बस को अपने कब्जे में ले ली है और बस के अंदर भी चीजें जो है तलाश रही है पुलिस, किस तरीके से बस के अंदर जो दुष्कर्म हुआ उसमें भी जो है पुलिस देख रही है कि कैसे वहां पे कोई साक्ष्य छूटे हों, उन साक्ष्यों को भी एकत्रित करने की कोशिश की जा रही है और जो बस का मालिक है उसको भी जो है बुलाया गया है, उससे भी पूछताछ होगी कि ड्राइवरों के बारे में जानकारी दी जाएगी, उसके जो फरार लोग हैं उनके बारे में और जानकारी इकट्ठा की जाएगी और सबकी जो है जो मालिक है उनसे भी पूछताछ होगी आगेगी। तो बस का मालिक कौन है, ये किस ट्रैवल एजेंसी के अंतर्गत चलती थी, उसके मालिक को भी पुलिस ने पूछताछ के लिए बुलाया है। लेकिन एक और अहम सवाल जो इस पूरे मामले में उठा वो ये कि दो ड्राइवर और दो कंडक्टर या कह लीजिए दो हेल्पर, 4 लोग जिन पर आरोप है, एक ड्राइवर को पकड़ लिया है, बस को कहीं रोका नहीं गया, चलती बस में दावा किया जा रहा है इस घटना को अंजाम दिया गया, तो अगर ये बस रुकी नहीं, कोई ड्राइवर उस बस को चला रहा था, तो फिर ड्राइवर पर यह आरोप कैसे आता है? देखिए आसपास जो कि कहना है कि दो ड्राइवर थे और एक कंडक्टर था, एक सहयोगी था, जिसमें पीड़ित महिला कहना है कि उसके साथ एक व्यक्ति ने इस तरीके की हरकत की जबकि तीनों की सहभागिता थी, यानी कहीं ना कहीं जो गंदी मानसिकता थी वो केवल एक व्यक्ति के अंदर थी लेकिन तीनों ने उसका साथ दिया, एक वो बस ड्राइवर जो लगातार बस चला कर रहा और दूसरा कंडक्टर उसका सहयोगी जो ये जानते हुए कि महिला के साथ दुष्कर्म हो रहा है, नहीं ना तो रोका इस जुर्म को होने से और ना ही उस ड्राइवर के बारे में जो है उसको इस तरीके के कुकर्म करने से रोका गया, तो जाहिर तौर पर चारों की इसीलिए सहभागिता बनती है और इसीलिए अगर बात करें तो जिस प्रकार से पुलिस अब चारों को तलाश रही है जिसमें से एक तो गिरफ्तार हो गया लेकिन तीन अभी भी फरार है, क्योंकि चारों की सहभागिता थी, एक लगातार बस चला रहा था, कंडक्टर और उसके सहयोगी की जानकारी थी कि महिला के साथ पीछे दुष्कर्म हो रहा है, इसके बावजूद उन्होंने किसी प्रकार की कोई रोक टोक नहीं की और ना ही पुलिस की आगे सहयोग के लिए आए, इसीलिए सबको गिरफ्तार किया जाएगा और सबसे पूछताछ की जाएगी और सबके ऊपर केस बनेगा। जी, प्राइवेट बस से आप बता रहे हैं थी, एक ट्रैवल के अंतर्गत चलती थी, तो क्या इसमें कोई सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ था? दिल्ली की बसों में जैसे हम देखते हैं कि यहाँ तो सरकारी बसों में दावा होता है सीसीटीवी का।
सियासत अगर अभी बात करें तो इसमें सीसीटीवी नहीं लगा हुआ था, ये किसी प्राइवेट स्लीपर बस थी, इसमें किसी प्रकार का कोई सीसीटीवी नहीं लगा हुआ था। इसलिए अब इस प्रकार से पीड़ित महिला का भी कहना है कि रात में इस तरीके के जब मतलब सुबह हो रही चहल की तब उसके रात इस तरीके से दुष्कर्म किया गया और पूरे बस में अंधेरा था, तो जाहिर सी बात है कि सीसीटीवी भी नहीं था और बस में अंधेरा भी था, जिसका फायदा उठाकर उसके साथ साथ पीड़ित महिला अकेली भी थी ये ड्राइवर जानता था और इसी का पूरा फायदा उठाकर उसने इस तरीके के कुकर्म को अंजाम दिया। जी, तो कुल मिलाकर जो ये गुत्थी है अभी उलझी हुई है, एक ड्राइवर पुलिस के हत्थे चढ़ चुका है, तीन की तलाश जारी है और कई मुसाफिरों के पुलिस टच में है, और सबसे बड़ी बात ये कि इस बस का जो मालिक है उसको फिलहाल पूछताछ के लिए पुलिस ने बुलाया है। इस महिला ने जिक्र किया था कि टिकट के पैसे पूरे नहीं है तो मेरा जब पति वहां पर होगा मिलेगा मैं बाकी के पैसे उससे लेकर के दे दूंगी, तो क्या उस पति तक अभी पुलिस पहुंच पाई है या पति से कोई पूछताछ हुई है कि महिला ने ये जो बात कही कि बाकी के पैसे मैं पति से लेकर दूंगी उतरने पर? जी देखिए, आपका बिल्कुल जाहिर सी बात है कि महिला ने इस तरीके की बात कंडक्टर से और ड्राइवर के साथ होने की बात की, इसका कहना था कि उसके पास पूरे किराए नहीं, तो उसको जानकारी थी कि किराया कम है, जो पहले पूर्ववर्ती किराया था वही किराया, लेकिन चूंकि अब किराया बढ़ा दिया गया था इसलिए उसके पास अधिक पैसे नहीं थे। उसने कहा कि सेक्टर 45 में वो उतरेगी, उसका पति वहीं पे मिलेगा और बाकी के जो किराया है वो अपने पति से लेकर वहीं पे उसको दे देगी, लेकिन इस प्रकार से उसके साथ बलात्कार किया गया, उसके बाद उसको सेक्टर 20 में उतार दिया गया, जिसके बाद सेक्टर 20 में उतरने के बाद उसने अपनी आप बीती अपने पति को बताई। उनका पति जो सेक्टर 45 में मौजूद था वो सेक्टर 45 से सेक्टर 20 पहुंचता है और सेक्टर 20 में जैसे ही अपने पत्नी को मिलता है सीधे वो पुलिस स्टेशन जाता है और पति पत्नी दोनों रिपोर्ट दिखाते हैं, पति का भी बयान दर्ज कर लिया गया है, पत्नी का भी बयान दर्ज कर लिया गया है और अब जो तलाश है वो तीन आरोपियों की तलाश है। जो बिल्कुल तीन आरोपियों की तलाश फिलहाल पुलिस कर रही है जिनमें एक ड्राइवर, दो हेल्पर या फिर कह लीजिए कि कंडक्टर शामिल हैं। अविनाश, आप हमारे साथ बने रहिए, इस बड़ी खबर पर नजर हमारी बनी रहेगी, आप हर तथ्य पर नजर बनाइए। एक फिलहाल छोटे से ब्रेक का वक्त है, फौरन लौट रहे हैं, आप बने रहिए हमारे साथ। मैडम, ये तो जादू की